नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो समय है वो है वेबिनार का, और आप सब जानते हैं कि इस खास प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न आईसीटी टूल्स पर आधारित अलग अलग टूल्स जो कि आपके ज्ञान में करते हैं बढ़ोतरी। आज भी हम ऐसा ही कुछ एक नायाब सा एक ऐप लेकर आए हैं, एक टूल लेकर आए हैं, और जिसके बारे में आपको जानना, आप सभी को जानना, हम सभी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड एनिमेशन यूजिंग ऑटोडेस्क स्केचबुक, यही बात। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने टोल फ्री नंबर पर। अगर नहीं है तो लिख लीजिए 8800-440-559, ये है हमारा टोल फ्री नंबर। इसके अलावा अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप मेल भी कर सकते हैं। कहाँ मेल करेंगे? training@cit.nic.in पर, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप जाकर इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस काम को आपको जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल है उसकी जो यहाँ से जो हम कोशिश करते हैं एनसीईआरटी के जानिब से कि उसका लाभ आप सभी तक पहुंचे, उसके लिए आपको वो लाइव सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीएमई विद्या चैनल के 1 से लेकर 12 तक जितने भी चैनल हैं उन सभी चैनलों पर इस प्रोग्राम को लाइव देखा जा सकता है। अब चलिए समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का, जिनसे हम सीखेंगे इस नायाब टूल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर प्रदीप नेगी, जो कि नेशनल आईसीटी अवार्डी भी हैं और लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स से मॉडल गवर्नमेंट इंटर स्कूल भेल, जो कि हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेगी सर आपका। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक नया टूल के बारे में जानने की प्रयास करेंगे, जिसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक, और इसका उपयोग करके हम ग्राफिक्स और एनिमेशन बनाना सीखेंगे। राइट, तो चलिए फिर समय हमारे पास जितना भी है उतना महत्वपूर्ण है, और शुरुआत करते हैं सेशन की और जानते हैं कि इस खास टूल के बारे में क्या कुछ नई बातें हैं वो हम आपसे सीखेंगे। ऑल टाइम इज योर सर, यू कैन स्टार्ट नाउ। तो आज हम जो सीखेंगे, वी लर्न टुडे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोडेस्क स्केचबुक। संक्षिप्त जानकारी हम ऑटोडेस्क स्केचबुक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम इसको वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जाता है उसको जानेंगे, फिर हाउ टू इंस्टॉल एप्लीकेशन इन योर सिस्टम, और उसके बाद एक्सप्लोर टूल्स ऑफ स्केचबुक, जो इसके टूल्स होंगे स्केचबुक के उनको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, और लास्ट में हम फ्लिप बुक जो एनिमेशन है स्केचबुक में आप अपनी इमेज को कैसे एनिमेशन दे सकते हो वो लास्ट में हम इसको सीखेंगे। हम ये जाने कि ऑटोडेस्क जो है स्केचबुक वो क्या है, किन किन कामों में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, पहले तो जान लें कि ये क्या है, जिनको नहीं मालूम वो भी आज जान जाए, आई थिंक हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यस, टू स्टार्ट विद ऑटोडेस्क स्केचबुक आखिरकार। तो ऑटोडेस्क स्केचबुक एक फ्री सॉफ्टवेयर है, और ये ड्राइंग, पेंटिंग और इंजीनियरिकल डिजाइन, आर्किटेक्चर्स के काम आता है डिजाइन करने के लिए। खासकर टीचर और स्टूडेंट्स भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, टीचर इसको ई कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, पेंटिंग बनाने को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स इसका प्रयोग पेंटिंग बनाने में कर सकते हैं और पोर्ट्रेट बनाने में कर सकते हैं, इंजीनियरिकल डिजाइन बनाने में या प्रोजेक्ट जो बना सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स ड्राइंग टूल्स हैं, और इसका बहुत ही अच्छा इंटरफेस है जिसमें आप तरह तरह के डिजाइन कर सकते हैं, और इसमें केवल इमेज ही नहीं बनाई जा सकती बल्कि इसमें एनिमेशन का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो इस एनिमेशन का प्रयोग अपने ई कंटेंट में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एनिमेशन को सर्च करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटिव एनिमेशन को ढूंढते हैं, तो कई बार हमें वो एनिमेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, या जो एनिमेशन मिलती है वो कॉपीराइट इश्यू होती है। तो इससे बेटर है कि क्यों ना हम खुद ही अपनी एनिमेशन बना लें छोटी छोटी, जो हमारे ई कंटेंट को या बच्चों को पढ़ाते समय काम आए। तो अब इसके आगे फिर आगे मैं बताता हूँ, फिर आगे इसके आगे जी बहुत बेहतर। जैसे स्केचबुक का कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एग्जांपल ऑफ ऑटोडेस्क स्केचबुक ड्राइंग, ये ड्राइंग के कुछ एग्जांपल है कि इसमें हमने कितनी शानदार
ड्राइंग भी की जा सकती है। इसमें हम कार्टून्स को बना सकते हैं, ये देखिए कार्टून्स हैं। पेंटिंग की जा सकती है, जो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि डिजिटल पेंटिंग बनाइए। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो जो हमारे ड्राइंग के टीचर हैं वो इसका बहुत ही बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग डिजाइन इसमें बनाया जा सकता है, बिल्डिंग बनाई जा सकती है, उसके पुल्स बनाए जाते हैं, उनके ड्राइंग बनाई जा सकती है। इसके बाद इसमें ग्राफिक्स भी बनाए जा सकते हैं। आप इसको जैसे इसमें ग्राफिक बना हुआ है, इस तरह के छोटे मोटे ग्राफिक्स भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मोबाइल के थ्रू भी यूज किया जा सकता है, इसका मोबाइल ऐप भी है, और आप देख रहे हैं कि इसका स्क्रीन पे ये जो पेंसिल का दिख रहा है ऐप है, इसका प्रयोग हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक एनिमेशन तैयार किया, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो आप देख रहे हैं कि एक बीज से पौधा कैसे निकल रहा है, तो इसे मैंने स्केच बुक में ही तैयार किया, फ्लिप बुक एनिमेशन। इसके बाद एक और एनिमेशन तैयार किया है जिसमें वाटर साइकिल है, कि यहाँ बादल से आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, और फिर ये पानी यहाँ से बहता हुआ नदियों में आ रहा है, और इसके बाद इसमें लेवल भी किया गया, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार आपका वाटर साइकिल होती है, उसका उसको एनिमेशन के द्वारा इसमें बताया गया। तो इस तरह की छोटी मोटी एनिमेशन आप इसमें तैयार कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉल द स्केच बुक, अगर आपको अपने सिस्टम में स्केच बुक को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपका जो सिस्टम होगा वो 64 बिट्स का होगा, क्योंकि जो पुराने सिस्टम है 32 बिट्स के, उसमें ये ठीक प्रकार से रन नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करें, और आपके सिस्टम 4 GB RAM सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, साथ में 256 ग्राफिक कार्ड हो, और आप डिजिटल पेन का आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ग्राफिक्स और आपकी पेंटिंग बहुत शानदार बनेगी। अब हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उससे पहले आप देख लीजिए कि हम इंटरनेट पे ऑटोडेस्क स्केच बुक को यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका एड्रेस हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और ये इसका आइकन है पेंसिल की नोक पे तरह। इसका इंटरफेस खुलने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे स्केच बुक गो फ्री लिखा हुआ। आप यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे, तो आपकी फाइल यहाँ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो रही है, जो आपके डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे दिखाई देगी स्केच बुक। आप इसको रन कराएंगे, रन ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तब तो आपके पास सेटअप exe फाइल आएगी, जिसको आप यस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन यस चुनेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे आप इसको, और फिर नेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है यहाँ पे। इंस्टॉल होने के बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल, और उसके बाद आप फिनिश्ड ऑप्शन चुनेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्केचबुक आ गया है, और आप यहाँ पे डन ऑप्शन चुनेंगे। जैसे आप डन करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे पेंसिल की तरह एक स्केचबुक का आइकन आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी खुल जाएगी। और ये इसका इंटरफेस है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरफेस इसका खुल गया, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये लेगून है, जिसको हम शॉर्टकट कमांड्स बोलते हैं, अपने अनुसार इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक से भी ये शॉर्टकट कमांड खुलती है। इसके बाद ये ब्रूस लाइब्रेरी है, जिसमें आप कलर ब्रूस बुक भी देख रहे हैं, जिसमें हम कलर चुन सकते हैं। कलर एडिटर टूल है, जिसमें आप कलर को बना भी सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। इसके बाद कॉपिक लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, और उसके बाद ये लेयर्स हैं, जिसमें हम काम करेंगे, अलग अलग इमेज को अलग अलग लेयर में बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेयर्स। इसके बाद ब्रूस लाइब्रेरी के कुछ हमारे पास टूल्स हैं, और ये आप देख रहे हैं ब्रूस लाइब्रेरी है, और ये ब्रूस प्रॉपर्टी है। अब हम एक क्विक टूर ले लेते हैं कि ऑटोडेस्क स्केच बुक में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप जिसको देखिए, इसमें सबसे पहले ब्रूस बुक दे रखा है कि कैसे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर हम कैसे उसको कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कलर व्हील के माध्यम से। उसके बाद आपका है शॉर्टकट कमांड लैगून, ये यहाँ पे देख रहे हैं कलर व्हील के बाद। इसके बाद आता है आपका सेमेंट्री टूल्स, जिसमें हम एक तरफ ड्राइंग करेंगे, दूसरी तरफ हमारी ड्राइंग अपने आप बन जाएगी।
इसके बाद गाइड्स जिसमें इंजीनियरिंगल डिजाइन हम इसमें बना सकते हैं, स्केल भी इसमें हमें मिलेगा। इसके बाद हम ब्रूस ले लेते हैं। ब्रूस आप देख रहे हैं ब्रूस की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे ब्रूस हैं, और इन ब्रूसों को अगर हम डिजिटल पेन के माध्यम से इस्तेमाल करें तो इनका प्रयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही इसमें मजा आता है इसे करने। इसके बाद आता है ग्रेडियंट फिल, जिसमें हम किसी भी इमेज में कलर शेडिंग कर सकते हैं, जिससे शेडिंग से इमेज हमारी बहुत शानदार बनती है। उसके बाद आता है डिस्टॉर्ट, जिसमें किसी भी इमेज को हम किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लिप बुक एनिमेशन। आप देख रहे हैं कि इसमें हमने कोई इमेज को कैसे उसको एनिमेशन दिया है, जैसे इसमें बास्केटबॉल खेल रहा है एक व्यक्ति। इसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्टिव टूल्स, जिसमें हम किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, इंजीनियरिकल डिजाइन आदि हम इसमें तैयार कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने ऑटोडेस्क स्केचबुक के बारे में इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त करी। अब हम इसको अपने सिस्टम में इसको कैसे यूज किया जाता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डेस्कटॉप है और यहाँ पे ये आइकन इसका स्केचबुक का, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसका इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ऊपर जो ये साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे मेन्यू हैं बहुत सारे, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले जैसे हमें सबसे पहले इसमें इमेज बनानी होती है, तो उसके लिए हम इमेज को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रूस हैं बहुत सारे, तो इमेज को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैनवास साइज पूछ रहा है, तो कैनवास साइज को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल्स आ रहे हैं, विड्थ आ रही है और हाइट आ रही है, तो इसको अपने अनुसार, क्योंकि अभी पूरा इंटायर स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, तो अब इसको हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे को ये पता चले हम प्रॉपर कहाँ पे इसको बनाना है। तो हम इसको 900 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 600। ओके कर लेंगे तो आपको ये दिखाई दिया कि हमें कहाँ पे ड्रॉइंग करनी है। तो ये इसका है कैनवास का साइज। अब हम इसमें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ब्रूस की, जैसे क्लिक करेंगे ये ब्रूस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रूस लाइब्रेरी पे बेसिक हो गया। यहाँ से ये कलर को के इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास शेड आ जाएंगे, तो हमें जैसे ब्लू शेड को क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर दिखाई देगा, नीचे आएंगे तो और डार्क हो जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और शेड दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया तो ये ब्लू पेंसिल दिखाई दे रही है, और अगर मैं इसको और दूसरा शेड लूं तो ये दूसरा कलर दिखाई देगा। इसको मैं यहाँ से इसको प्रॉपर्टी में हम इसको बढ़ा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी यहां से हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी मोटाई पतला कर सकते हैं ब्रूस को, और ये ओपेसिटी है जिससे हम डार्क और लाइट कर सकते हैं कलर को। तो इसको करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पहले और अब में अंतर आ गया। यहाँ से अगर हम दूसरा कलर लेंगे रेड, तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर आ रहा है यहाँ। ऐसे ही इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्रूस है, इरेजर है, इरेजर से हम किसी भी इरेजर से हम कोई भी कलर को यहाँ से मिटा भी सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रूस हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिक है, टेक्सचर एसेंशियल ब्रूस टाइप के हैं, कॉपी के हैं, सिंथेटिक पेंट्स वाले ब्रूस हैं, ट्रेडिशनल ब्रूस हैं, टेक्सचर हैं, ये बहुत सारे हैं। इसको भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा टेक्सचर कैसा होता है। जैसे हम यू करेंगे तो इसमें इस तरह के शेड्स बनने शुरू हो जाएंगे, और अगर हम इस तरह कोई कलर लें इस तरह का शेड बनना शुरू हो जाएगा। इसको अगर हम दूसरा कलर लें तो इस
तरह का बहुत सारे शेड जैसे आप चाहेंगे वैसे इनमें बनने शुरू हो जाते हैं। प्रकार के सेटर हैं, प्रकार के कुछ भी हम इसमें वो कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अपने मतलब ड्राइंग्स को, अपनी इमेजिनेशन को इसमें व्यक्त कर सकते हैं। और कलरलेस पेस्टल बहुत सारे, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको ब्रश चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी हम बहुत सारे ब्रश कर सकते हैं। तो पेंसिल का साइज जो हमने लिया था अब उसको हम इसमें कम कर देते हैं थोड़ा, तो पेंसिल का साइज हो गया। यहाँ पर हम जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉप है, सिलेक्ट है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर। अब ये एक दो इमेज हम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे स्क्वायर में अगर बनाना है तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, अगर मेरे को सर्कल बनाना है सर्कल बन जाएगा, अगर आपको आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो जैसी मर्जी, तो आप इसको जैसी छोड़ेंगे वहीं पे इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी प्रकार। और इनमें अगर आपको कोई कलर भरना है तो आप ये देख रहे हैं कि फ्लड फिल है, इससे हम कोई भी कलर इसमें भर सकते हैं, जैसे ब्लू हमारे पास है तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ब्लू आ जाएगा। इसको अगर हम दूसरा कलर भरना है रेड ऑरेंज भरना है तो हम यहाँ पे ऑरेंज करेंगे तो ऑरेंज कलर आ जाएगा। अगर आपको शेडिंग देनी है इसमें, आपको शेडिंग देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको देखो ये शेडिंग दिख रहा है, तीन डॉट दिख रहे हैं, इनको कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे जाके इसका कलर हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको येलो ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम ग्रीन ले लेते हैं। तो आपने देखा कि ये शेडिंग भी हो सकती है आसानी से। इसके बाद अगर हमें टेक्स्ट लिखना है कोई, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे वेबिनार हमें अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हम वेबिनार भी लिख सकते हैं इस प्रकार, और इससे हम उसको कहीं भी रोटेट और वैसा भी कर सकते हैं, कहीं से छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और है इसमें यहाँ पे जूम, जूम ये जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बीच में जो आता है इसको अगर हम प्रेस करके दबाएंगे तो ये हमारा जूम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका साइज बड़ा और छोटा हो रहा है इससे, और अगर हमें से साइड को मूव करना हो तो इधर को मूव कर सकते हैं, कहीं को भी मूव कर सकते हैं, ऊपर को भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद ये स्केल है जिसमें हम कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इधर से उधर, तो ये लाइन को हम ड्रॉ करना हो तो हम इसमें आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं स्केल लेकर। और ये इक्लिप्स टूल है, इसमें हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार कोई भी सर्कल हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी फ्रेंच वाली है, फ्रेंच कर्व बना सकते हैं, इसमें हम कोई भी डॉट बना सकते हैं, डॉट लेके ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर को ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार हम टू पॉइंट को लेके भी बना सकते हैं कोई भी लाइंस, और थ्री डॉट लेके भी बना सकते हैं, और सर्कल लेके हम बहुत सारे डॉट का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है सिमेट्री टूल्स, जो मैंने बताया था अगर हम एक तरफ कोई चीज बनाएंगे तो दूसरी तरफ हमारी चीज अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। सपोज मैं एक ट्री बनाता हूँ यहाँ पे, ये जैसे मैंने ट्री बनाया तो आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी ये खुद ड्रॉ कर रहा है। तो वन साइड को अगर मैं बनाऊंगा तो दूसरी तरफ ये अपने आप बन जाएगा, ये
आदमी के पोर्ट्रेट बनाने के लिए काफी इस्तेमाल होता है और काफी अच्छा टूल है। और इसके बाद ये वाला जो टूल है इसमें भी ऐसे ही है कि अगर हम एक साइड में ऊपर वो बनाएंगे कोई चीज तो नीचे की साइड अपने आप बनती हुई चली जाएगी। इसके बाद एक ग्राफिक वाला टूल है जो बहुत ही अच्छा है अपने आप में, और इसमें हम कोई भी बहुत शानदार से कुछ बना सकते हैं। जैसे ये बनाया है इस प्रकार, कलर इसका अगर हम चेंज करें यहाँ से रेड, तो यहाँ से देखिए हम रेड करते हैं इसको, और अगर हमें ग्रीन करना है तो यहाँ से हम इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। तो काफी सारे टूल हैं जो हम ग्राफिक बनाने के काम भी हमारे आते हैं। ये कलर व्हील है जो मैंने बताया था आपको, जो कलर एडिटर है जिसका हम इस्तेमाल करके कई प्रकार के रंग यहाँ से ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं। ये हमारी कॉपिक लाइब्रेरी है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। ये शेड्स हम ले सकते हैं, बहुत सारे शेड। तो अब हम इसमें एक इमेज बनाएंगे और उस इमेज में फिर हम एनिमेशन देने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये व्हील है, जूम व्हील। तो अब हम, और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये लेयर्स हैं। इसमें बैकग्राउंड है और ये कलर लेयर वन है, इसमें हम प्लस करके लेयर टू भी बनाते हैं। कैसे हम इसमें काम करेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें तो हमने सबसे पहले फाइल में जाकर इमेज लिया था, इमेज में कैनवास हमने क्लिक किया और कैनवास की हमने हाइट 900 और 600 ले ली, हाइट और विड्थ 900 ले ली। ओके कर दिया हमने तो ये हमारे पास कैनवास का साइज आ गया। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इतना। अब हम लेयर्स में काम करेंगे। तो पहले जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में अब हमें यहाँ पे कलर देना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हम शेड, अगर हमें चाहिए कि ऊपर डार्क कलर हो, रात का सीन हो, नीचे वैसा कलर हो, तो हम इसमें कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसको क्लिक करिए और इसको चुन लीजिए ऑप्शन को, लीनियर फिल को। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शेड आने लग गया, ये रेड आ गया और ये ग्रीन आ गया। लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर वाला जो शेड है वो मेरा डार्क ब्लैक हो, क्योंकि मेरे को स्टार बनाने हैं उसमें, तो हम उसको डार्क ले लेके ब्लैक ले लेंगे और इसको हम ब्लू ले लेंगे, लाइट ब्लू। और नीचे वाले शेड को ले लेंगे हम येलो टाइप का, थोड़ा सा ग्रीन और येलो। और इसकी प्रॉपर्टी को भी हम ऊपर से नीचे कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो हम एक माउंटेन बनाते हैं शेड में, तो ये मैंने आपके सामने बनाया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़े से स्टार बना दिया जाए, तो हम ब्रश प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे ये स्टार ले लेते हैं। स्टार को हम जैसे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका कलर जो स्टार का होता है अधिकतर व्हाइट होता है, तो व्हाइट ले लेते हैं। तो जैसे हमने एक किया तो एक स्टार हमारा बन गया यहाँ पे। इसका साइज बड़ा है तो हम इसका साइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं, साइज स्मॉल कर सकते हैं, ज्यादा छोटा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे हम बना रहे हैं। फिर हम थोड़े और बड़े बना लेते हैं इसको, तो ये बहुत सारे हमारे स्टार्स बन गए। अब आप चाहते हैं कि इसमें माउंटेन बनाया जाए, तो हम इरप्शन ऑफ वेल्कोनो कैसे बनाया जाता है, कि वेल्कोनो कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं यहाँ पे एनिमेशन बनाऊंगा। तो आप देखेंगे कि एक लेयर पे हमने बैकग्राउंड भी बना दिया और स्टार बना दिया। अब अगली लेयर
प्लस करेंगे तो अगली लेयर मेरे पास आ गई, इसको हम रीनेम कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसका नाम हम माउंटेन रख देते हैं यहाँ पे माउंटेन, ताकि हमें याद रहे कि हम कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं। माउंटेन मैंने लिख दिया और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक माउंटेन बनाता हूँ, मैंने पेंसिल ले लिया है और जो माउंटेन का कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, तो यहाँ की बजाय मैं कॉपिक लाइब्रेरी से ले लेता हूँ ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर है, डार्क शेड ले लेते हैं इसको, ये वाला शेड ले लेते। अब मैं यहां से इसको ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे कि ये यहां से ऊपर को जा रहा है इस प्रकार, ये एक माउंटेन बन। अब मैं इसको फिल करता हूं, यहां से फिल मैं ये वाला ले लेता हूं सॉलिड फिल, और जो इसका कलर है माउंटेन का वो थोड़ा डार्क सा ले लेते हैं शेड। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो हमारा एक ये माउंटेन बन गया। इसको आप शेड भी कर सकते हैं, मैं अभी थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि पेंटिंग करते समय और एक्यूरेट इमेज बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसको मैंने यहाँ पे बनाया आपके सामने। अब चाहते हैं कि इसकी कई सारी लेयर बने तो उसमें बहुत समय लगेगा बनाने के, तो क्यों ना हम इसी की कॉपी कर लेंगे, इसी लेयर की माउंटेन की, तो इसको यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके देखो आपके पास दो माउंटेन आ गए, एक ये पहला माउंटेन है, ये बाद का, इसके ऊपर एक लेयर और आ गई। अब इसको हम कलर चेंज कर देते हैं तो आप देखेंगे, तो मैं और डार्क कलर शेड दे देता हूँ और इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा ये आ गया। तो इस माउंटेन के पीछे हमारा पहले वाला माउंटेन है ब्राउन और ये बाद में आ गया। अब हम इस इमेज को कंप्रेस करेंगे, छोटा करेंगे, तो हमें पीछे की इमेज भी दिखाई देगी, तो उसको हम यहाँ पे जाएंगे, क्विक ट्रांसफॉर्मर टूल्स में जाएंगे यहाँ पे, और ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है जो इमेज को कैसे भी कंप्रेस कर सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है, स्मॉल कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। तो इस इमेज को अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस पे गया, बीच वाला मैंने बटन दबाऊंगा तो यहाँ से इमेज ये आपको दिखाई दे रही है, तो ये इमेज मेरी उसके पीछे एक बन गई है। यहाँ से ये कहीं को भी रोटेट हो सकती है और यहां से मूव हो सकती है, तो ये दो इमेज हो गई, एक इमेज इधर है और एक इमेज ये है, ये लेयर्स बन गई हैं। जैसे हम ज्वालामुखी का बारे में बच्चों को बताते हैं तो कई लेयर्स बनती हैं, तो दो लेयर हो गई। अब एक और लेयर बनाना चाहते हैं तो हम फिर इस वाली लेयर की कॉपी कर देंगे यहाँ पे, तो इसको हम कर देंगे डुप्लीकेट। एक लेयर और हो गई, तो इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम लाइट कलर कर देते हैं, और ये लाइट कलर मैंने इसमें और लाइट कलर कर दिया है, तो इसको जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ये लाइट कलर आ गया, तो ये इसके अंदर भी एक इमेज है, इसको फिर हम और क्लिक करेंगे तो देखो तीन लेयर बन गई हमारे पास, तो 1, 2, 3 लेयर। अब ये हमारी इमेज है, इस इमेज को हमें सेव करना और एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन हमें यहाँ पे नहीं देना होगा, इस इमेज को हमें बाहर जाके सेव करना होगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे फाइल, फाइल में जाकर हम सेव एज ऑप्शन चुनेंगे और इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं वेलकोनर 2 के नाम से, और इसको हम सेव करेंगे पीएनजी या जेपीजी, किसी दो फाइल में हमें से सेव करना है, जेपीजी या पीएनजी, तो पीएनजी में हम सेव कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये हमारी फाइल बाहर सेव हो गई। अब आप चाहते हो कि इसमें मैं एनिमेशन दूं, यहाँ से लावा निकलता हुआ आए, यहाँ पे बादल है या विस्फोट हो और इसमें लेबल भी आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फ्लिप बुक ऑप्शन को चुनेंगे और इसको हम वही पिक्सल हम वही देंगे जो हमने इस इमेज में दिए थे। अगर हम इससे कम पिक्सल दे देंगे या ज्यादा दे देंगे तो हमारा जो इमेज जो हमने सेव करी थी वो ब्लर हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी कैनवस, तो वही हम रखेंगे इसमें 900
और इसको 600 ये हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा नया इंटरफेस आ गया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो गया हमारा, यहाँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड, जो हम अपनी इमेज में एनिमेशन देंगे वो फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड में ही दिया जा सकता है, और इमेज को बैकग्राउंड में लाना होता है। तो हम इमेज जो हमने अभी बाहर सेव करी उसको हम यहाँ लेकर आएंगे ताकि हम उसमें एनिमेशन दे सकें और कुछ और चीजें भी बना सकें। तो बैकग्राउंड को हम क्लिक करेंगे पहले, अब यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम ऐड करेंगे ऐड इमेज। जैसे अब ऐड इमेज करोगे तो आपने देखेंगे कि ये वाली इमेज बनाई थी हमने वेलकोनो के नाम से, और ओपन कर देंगे तो देखो ये इमेज आ गई वही जो हमने अभी ड्रॉ करी थी। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एक टाइम लाइन आ गई है, ये टाइम लाइन में हम एनिमेशन देंगे जो ये नीचे दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में कुछ बता दूं, ये फ्रेम है, ये 240 तक हम इसको फ्रेम इस समय एट प्रेजेंट है, जिसको हम 1000 तक बढ़ा सकते हैं। यहां से हम उन एनिमेशन को देख सकते हैं जिनको हमें देखना है, जैसे हम चाहते हैं कि हम छोटा सा रूप देखना है, एक पार्ट देखना है किसी ऑब्जेक्ट का एनिमेशन को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं उसको शॉर्ट में। और इंटायर अगर हमें देखना है पूरा हमारी जो एक फिल्म बनेगी एनिमेशन की, तो हम यहाँ से देख सकते हैं उसको, प्ले ऑल फ्रेम्स, इसमें सारे फ्रेम एक साथ प्ले होंगे और इसमें वही फ्रेम प्ले होंगे जिसको आप चाहोगे, जितना आप असाइन करोगे। तो इसको, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का निशान है, या इंसर्ट कर सकते हैं हम कोई भी फ्रेम, आपको लग रहा है कि बीच में मेरे को कुछ और स्लो करना है अपना एनिमेशन, तो यहाँ पे उसको और फ्रेम को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ फ्रेम मेरे गलत बन गए या ज्यादा स्पीड हो गई या कहीं पे कुछ एरर आ गई है, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से प्लस का चिन्ह है, डुप्लीकेट आप कर सकते हो, एक ही फ्रेम को 3-4 बार कॉपी कर सकते हो। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, फिल्म की रील देखी होगी कि एक ही सीन आपको कई रील में दिखाई देता, उसी प्रकार हम इसमें कॉपी करके उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनिमेशन का जो टाइमलाइन है जो नीचे है, और यहाँ पर हम एनिमेशन देंगे। तो एनिमेशन देने के लिए हमें बैकग्राउंड हमारा आ चुका है, बैकग्राउंड में कोई एनिमेशन वर्क नहीं करेगी, जो करेगी मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड में करेगी। तो हम क्या करेंगे, फोरग्राउंड को हम चुन लेंगे। अब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड हो गया फोरग्राउंड। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा बादल बनाते हैं और यहाँ से लावा निकलता हुआ दिखाएंगे पहले, फिर बादल बनाएंगे। तो यहाँ के लिए लावा निकल, जो लावा होता है आपको पता है कि चमकीला टाइप का होता है, तो उसको हम यहाँ पे चुन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रूस लाइब्रेरी ले लिया है, तो ब्रूस लाइब्रेरी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है। तो एक ग्लो का ऑप्शन है यहाँ पे, ग्लो ग्लो मतलब चमकने वाला, तो ग्लो को हमने जैसे टिक कर लिया। अब हमें कलर चुनना है कि लावा का कलर किससे मैच करता है, तो अधिकतर उसका कलर येलो और व्हाइट के करीब होता है, या येलो और रेड कलर का होता है। तो इसमें हम जैसे कोई भी कलर चुन लेते हैं और इसको यहाँ से हम देखते हैं ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके जो कलर है ये दिख रहा है गोल्डन टाइप का बन जाएगा, रेड और गोल्डन कलर का। तो सर हमारे पास 10 मिनट का समय अभी भी बाकी है, और कुछ एक प्रश्न भी हैं जो मुझे आपके सामने रखने हैं अपने व्यूवर्स की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको जल्दी समाप्त करें जी। हाँ, तो सर इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमने टाइम लेन ये ब्रूस ले लिया है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि एनिमेशन बनाने में बहुत समय लगता है और इसको इतनी जल्दी नहीं दिखाया जा सकता, तो पहले फ्रेम में मैंने क्लिक किया है, ये पहले फ्रेम में इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से हम एनिमेशन बनाना शुरू करेंगे एक लावा का। तो मैंने जैसे यहाँ पे देखा, आप देख रहे हैं ये हल्का सा आ रहा है यहाँ पे, ये लावा का हल्का सा आया, इसको मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4 फ्रेम में, फिर इसको आगे और बढ़ाता हूँ, फिर आगे इसको क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर इसको कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा और
फिर इसको हम धीरे धीरे ऊपर को ले जाएंगे, ये और गया ऊपर, वहां पर आ गया और यहां से फिर ये फ्लो होने लग गया। ऐसी इसका एक और पार्ट बना लेते हैं छोटा सा एक और, इस प्रकार। तो अभी मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बनाया कि लावा यहाँ से ऊपर को जा रहा है और इधर को निकल रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से, इंटायर में तो काफी चलेगा तो हम स्मॉल में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कैसे चल रहा है, और इंटायर में करेंगे तो ये पूरा नीचे से आएगा इस प्रकार। तो एनिमेशन इस प्रकार बना सकते हैं, यहाँ पे बादल भी बनेगा और उसका लेवल होगा। मैं एक आपको वो दिखा देता हूँ कि मैंने जो एनिमेशन इसका बनाया वो किस प्रकार है। इससे पहले जब आप इतना बना लेंगे इसको, तो इसको फाइल सेव करना भी होता है। तो एनिमेशन कैसे सेव किया जाएगा, फाइल में जाकर आप इसको एक्सपोर्ट फ्लिप बुक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पूछेगा एक्सपोर्ट एस पीएनजी में करना है किस में, तो आप इसको MP4 में करोगे। जेब GIF इसमें बन जाती है लेकिन हम MP4 में क्लिक करेंगे। और इसको फ्रेम, अगर हम इसको फ्रेम 12 करेंगे तो थोड़ा स्लो चलेगा, और अगर हम 24 फ्रेम में रखेंगे तो फास्ट चलेगा। जितना फ्रेम बढ़ेगा उतना ज्यादा स्पीड इसकी हो जाएगी एनिमेशन। तो 12 में रख के इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर देते हैं, इसका नाम ए रखते। तो ये फाइल देखो एक्सपोर्ट हो रही है। अब हम इसको मिनिमाइज करके वो देख लेते हैं अपने, ये फाइल बनी है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए एनिमेशन चल रहा है। तो इस प्रकार एनिमेशन इसमें बनाए जा सकते हैं। तो इस समय थोड़ा समय कम था जिसके कारण मैं आपको ये पूरा एनिमेशन नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ जो इस अभी बनाया गया था। ये एनिमेशन देख रहे हैं इरप्शन ऑफ वेलकनो है। इस प्रकार आप स्लो स्लो टाइम लेके धीरे धीरे इसको बना सकते हैं, और इसको लेबल भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार शॉर्ट एनिमेशन आप इसमें बना सकते हैं, और साथ साथ इसमें शानदार जो हमारे टीचर ई कंटेंट में उसका प्रयोग कर सकते हैं, और बच्चे भी पेंटिंग इसमें आसानी से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो सर और पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं। क्या बात है, कितना नायाब ये टूल था। और मैं समझता हूँ कि जो वल्कनो की आपने इमेज दिखाई, और भी काफी खूबसूरत इमेजेस इसमें बनाई जा सकती हैं। आपने अभी हाँ जिक्र किया था अध्यापकों की तरफ, तो मेरा प्रश्न एक्चुअली वहीं जा रहा है आपके पास कि इस समय जो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, जो ई कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जा रही हैं, उनके बारे में मतलब इस टूल की उपयोगिता किस तरीके से देख सकते हैं? हाँ इस टूल का प्रयोग हम मैंने बताया था, जैसे कोई डिफिकल्ट आपके पास टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, उसको सरल शब्दों में बच्चों को समझाना हो तो एक वीडियो की आवश्यकता होती है। अगर हमें प्रॉपर कोई वीडियो ना मिले, और क्योंकि हम यूट्यूब में या कहीं और सर्च करते हैं, तो अगर हमें खुद का कंटेंट बनाना है, ई कंटेंट बनाना है, तो हमें, आपको पता ही है कि हम किसी दूसरे का वीडियो शेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉपीराइट इशू का समस्या आ जाती है। तो क्यों ना आप खुद ही अपने कंटेंट बना लें, खुद ही आप एनिमेशन ड्रॉ कर लें, या अच्छी अच्छी इसमें बच्चों को कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग काम दे दे। जैसे आज बच्चे पहले ज्वालामुखी उसमें बनाते थे, कॉपी में बनाते थे, या ज्योग्राफी के कई सारी जो चित्र होते हैं वो प्रैक्टिकल कॉपी में बनाते थे। तो समय बदल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्यों ना बच्चों को डिजिटली बनवाने को दिया जाए, क्योंकि ये आपके मोबाइल ऐप में भी इस्तेमाल होता है, तो मोबाइल में भी आप आसानी से इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। उसमें अगर आप बच्चे खुद ही बनाएंगे तो काफी लर्निंग होगी, सेल्फ लर्निंग बहुत होगी,
और एनिमेशन का भी अगर बच्चे प्रयोग करें, बच्चे तो टीचर से ज्यादा एनिमेशन जल्दी सीख जाते हैं बनाना हर चीज, ऐप को बहुत जल्दी तो सीख लेंगे। राइट, आपने मोबाइल का जिक्र किया तो मेरा प्रश्न खैर वहीं पर ही था कि क्या इसको मोबाइल में भी यूज किया जा सकता है। आपने उसका जवाब हालांकि दे दिया है कि डेफिनेटली उसको किया जा सकता है। अभी हमने जो वल्केनो का इमेज दिया, एक नेचुरल उसका आप इमेज लेकर आए, अब एक प्रश्न और भी यहीं से निकलता है कि उस पर और किस किस तरीके की इमेजेस जो है वो बनाई जा सकती है इस टूल के की मदद से। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें कार्टून्स बना सकते हैं, जैसे इसमें था कि आप शानदार, मतलब जैसे अभी मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे आप इसमें कार डिजाइन कर सकते हैं या शेडिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट बना, पोर्ट्रेट बहुत शानदार इसमें बनते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम आपके 500-600 ब्रश के करीब इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और वाह, अगर आपको और ब्रश की आवश्यकता है तो उनकी वेबसाइट से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पे सब कुछ, मतलब ये जो आपका ऐप है और आपकी जो ये वेब टूल है ये सारा ओपन सोर्स है, फ्री है। तो इसमें आपने जैसे ये इमेज देख रहे हो ऐसे आप जी इसमें कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं शानदार, इसमें बच्चों को बोला जा सकता है कि आप ये कार्टून ड्रॉ करिए या कोई इमेज बनाइए शानदार। और पेंटिंग तो ये मैंने ही खुद बनाई है पेंटिंग, तो आधा घंटा मुझे लगा था, तो ऐसी बच्चे भी इसको बना सकते हैं, बहुत शानदार पेंटिंग इसमें बनाई जा सकती है। और ये देखो इंजीनियरिकल डिजाइन है, ये प्रोफेशनल लोग भी इसको यूज करते हैं। और इसका एक फायदा और है कि जिसको ऑटोडेस्क स्केचबुक पे काम करना आ जाएगा तो वो आपका जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोटोशॉप होता है उसमें लेयर में कैसे काम करते हैं वो लेयर की जानकारी आपको हो जाएगी, क्योंकि लेयर समझना बहुत डिफिकल्ट होता है फोटोशॉप में कि कौन सी लेयर में हम काम कर रहे हैं, कौन सी लेयर आपको पीछे से डिलीट करनी है, कौन सी ब्लर करनी है, कौन सी आगे लानी है, वो सब आप इसमें सीख लोगे और इसमें बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। और इसके अच्छा, ट्यूटोरियल भी क्या पूरे जगह जगह जी जी आपको क्या यूट्यूब में मिल जाएंगे। क्या बात है, एक आखिरी प्रश्न, इसके बाद फिर हम इस सेशन को वाइंड करेंगे। अक्सर मिस्त्री की एक प्रासंगिकता का एक प्रश्न उठता है और फिर ऑथेंटिसिटी की तरफ हम जाते हैं कि कितना रिलायबल ये टूल है। तो अब चूंकि सारी चीजें हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो इस बंजर कृषि में, ऐसे हालातों में, इस ऐप के ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, हमारे पेरेंट्स के मन में यह सवाल चल सकता है, क्या हम इसको जान सकते हैं पूरी तरीके से सेफ है? इसको मैं 2-3 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, और कभी भी इसमें ऐसा नहीं आया कि अदर टूल आपके पेड वर्जन हो गए हो, क्योंकि मैं कई सारे टूल में काम करता हूँ तो कई सारे टूल ऐसे हो जाते हैं बाद में जाके पेड बन जाते हैं, जब तक आप पैसे नहीं हाँ दोगे यार, वो जी काम ही नहीं करते। तो ये जी उस हिसाब से तो अभी तक मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ, एकदम टोटली फ्री है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप दूसरे टूल पे अगर एनिमेशन बनाओगे तो उनमें क्या होता है कि वो पेड वर्जन होते हैं, वो अच्छे राइट होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो पेड होते हैं, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनका पूरा मतलब एक्सेस करना है आपको, फुल वर्जन अगर आपको एक्सेस करना है तो पेड होगा, ये फुल एक्सेस आप कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको मतलब जितना मर्जी इसमें बच्चे यूज कर सकते हैं, जितना मर्जी मिटाएं बनाए, क्योंकि आप देखते हैं पेंट में हाथ पैर बच्चे खराब कर देते हैं अपनी, कॉपी कपड़े जी खराब कर देते हैं, पेंट भी महंगे आते हैं और मजा भी नहीं आता, इसमें आप अक्सर बना यार, के शेयर भी कर सकते हो आसानी से, क्या आजकल बात है, तो यस शेयर का आपने जमाना है। करना पड़ेगा। यस, आपने जो वोल्केनो देखा है, क्या कमाल का वो नायाब एक चित्र आपने खींचा, और बड़ा रोचकता से भी पैदा होती है। खैर, आपने एक सवाल का और भी जवाब दे दिया कि ये जो टूल है वो पेड नहीं है, फ्री है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जल्दी से जाते जाते एक खास संदेश जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें वो क्या हो सकता है? हाँ, मैं अपने जो शिक्षक साथी हैं और जो बच्चे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस टूल का प्रयोग करके देखें तो आपको बड़ा मजा आएगा। लॉकडाउन के समय पे जब बहुत दिनों तक हम घरों में रहते हैं तो किसी भी चीज से बोरियत आने लगती है, तो राइट बोरियत को दूर करने के लिए तो ड्राइंग बहुत बेस्ट आपके पास साधन है। तो जो हमारे ड्राइंग के टीचर हैं या हमारे जो आर्किटेक्चर हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, या बहुत सारे ऐसे मेरे शिक्षक साथी जो एनिमेशन में बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जीआप बनाना चाहते हैं, शॉर्ट एनिमेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टूल है, इसका इस्तेमाल करके देखिए और उस टूल को फिर अपने ई कंटेंट में शामिल करिए। और बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें ना तो पेंट गिरने का डर है, ना पानी का डर है, ना कुछ डर है, आप जितने मर्जी टूल्स ब्रश लीजिए और उनको जितने मर्जी बनाइए मिटाइए,
अच्छी ड्राइंग बनाइए, फिर अपने एक दूसरे को शेयर करिए और बताइए कि मेरी ड्राइंग कैसी थी, तो बड़ा मजा आएगा। और इसको सोशल मीडिया में भी आप भेज सकते हैं, तो क्या अच्छा बात है, टूल है। और बहुत एनिमेशन का भी प्रयोग करके देख सकते हैं कि हमने तो एक एनिमेशन, आप कार्टून को बना के भी एनिमेशन देख सकते हैं। इसको आप यूट्यूब ट्यूटोरियल में जाके देखेंगे तो लोगों ने ऐसे एनिमेशन बना रखे हैं कि गजब है। जैसे मैंने अभी दिखाया था बास्केटबॉल खेलता हुआ एक आदमी बनाया था, जी वो जी इसी टूल जी में बनाया गया है। तो आप सोचो कि कार्टून मूविंग करता हुआ, काम करता हुआ, सब इसमें बनाए जा सकते। निश्चित रूप से। तो आपने जो टूल आज हम हमारे सभी दर्शकों को बताया, अपने आप में बहुत ही नायाब ये टूल था। मैं समझता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे थे वो जरूर इस टूल की सहायता लेंगे, घर पर एक नए हुनर को अपने आप इजाद कर सकते हैं, जो भी मिस्टर पवन ने, ये प्रदीप नेगी जी ने हमें बताया, और काफी कमाल का ये टूल था। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें जरूर लिख के भेजें एनसीईआरटी ऑफिशियल पर, और भी क्या कुछ हम नायाब आपके लिए कर सकते हैं वो भी हम भरपूर कोशिश करेंगे एनसीईआरटी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रदीप नेगी जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाने की कहीं भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है वहां हम समझेंगे ओवरकमिंग फियर एंड एंजाइटी अंडर दिस योर प्रोग्राम। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद। यू हैव जरूर स्टे ट्यून्ड।